हे गाइस, बढ़िया, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं सोनिक फ्लैश और क्विक सिल्वर के बारे में, और इन तीनों का बेसिकली कंपैरिजन करने वाला हूं और बताने वाला हूं इन तीनों में से कौन है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीडस्टर। और मैं जानता हूं तुम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है इन तीनों को लेकर, तो स्पेशली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट। तो अगर तुमने अभी तक सोनिक की दो मूवीज़ नहीं देखी है, एक्समैन की दो मूवीज़ नहीं देखी है जिसमें क्विक सिल्वर अपीयर हुआ है, और फ्लैश का टीवी शो नहीं देखा है, वो अभी चले जाओ और जाके देख लो। और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन ऐसे महाशय हैं जिन लोगों ने अभी तक ये चीज़ें नहीं देखी है। और जिन लोगों ने अभी तक ये चीज़ें नहीं देखी है ना, इस बार तुम्हारे घर एनाबेल डॉल नहीं, इस बार तुम्हारे घर वांडा आएगी। तो विद अ फेस पॉली मॉर्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विक सिल्वर की, और मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि मैं एक्समैन वाले क्विक सिल्वर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एवेंजर्स वाला क्विक सिल्वर तो इतना ज़्यादा स्लो था कि मैं उसकी बात भी नहीं करना चाहता। खैर, एक्समैन वाला क्विक सिल्वर बहुत ज़्यादा फास्ट है, और वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि उसने जेवियर स्कूल को बचाया था। और अगर मैं इस सीन पर्टिकुलर की बात करूँ कि इसमें इसकी स्पीड कितनी थी, तो इसमें इसकी स्पीड लाइट स्पीड से बहुत ज़्यादा थी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक डेटोनेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और वो मुझे नहीं पता कितनी होती है क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। पर जहाँ तक मैंने साइंस पढ़ी और जहाँ तक मुझे पता है कि डेटोनेशन की स्पीड लाइट की स्पीड के अराउंड होती है, मतलब लाइट से ज़्यादा नहीं होती है, बट लाइट की स्पीड के अराउंड ही डेटोनेशन मूव करता है। मतलब डेटोनेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं और डेटोनेशन का जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब जो भी लोग डेटोनेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, बट इस सीन के अंदर ये चीज़ पूरी फ्रीज थी। तो इससे हम एक चीज़ तो कह ही सकते हैं कि जितनी स्पीड पे ये डेटोनेशन मूव कर रहा था उससे क्विक सिल्वर बहुत ज़्यादा फास्ट था, क्योंकि इसने पूरे मैंशन को खाली किया, और मैंशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इसका मेरे को आइडिया नहीं है, बट अराउंड 24,000 स्क्वायर फीट के अराउंड है ये मैंशन। इसका मतलब अगर इस बंदे की ज़रा सी भी हट गई तो ये लाइट से 2 या 3 times फास्टर जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा फास्ट ये नहीं जा सकता। मतलब ये चीज़ मैंने गूगल पे सर्च करी थी और मेरे को इसी के अराउंड कुछ मिला था। और इसमें सारे मेंबर्स अलग अलग जगह थे, और इसने उन सभी को बचाया, प्लस उनको सेफ्टी से भी उतारा, और उसकी भी अरेंजमेंट इसी ने करी थी। खैर, जिन लोगों को लग रहा है कि ये सीन स्लो मोशन में था इसलिए हमें प्रॉपर स्पीड नहीं पता लगी है क्विक सिल्वर की, तो एक और इंसिडेंट है जिसमें हमें इसकी प्रॉपर स्पीड पता लगी है। मतलब प्रॉपर तो नहीं पता लगी है, बट हमें ये पता लगा है कि ये लाइट से ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, और वो भी बीच डेटोनेशन के अंदर। मतलब समझ रहे हो तुम ये कितना ज़्यादा फास्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्समैन डार्क फीनिक्स बहुत ही बड़ी फ्लॉप मूवी थी, उसमें कुछ दिखाओ या ना दिखाओ बट क्विक सिल्वर की असली स्पीड दिखी है, और वो यहाँ पे लाइटनिंग को फ्रीज कर सकता है, तो उसकी स्पीड लाइटनिंग से तो ज़्यादा तेज़ है। और क्योंकि लाइटनिंग ट्रैवल करती है 270,000 माइल्स पर आर की स्पीड से, तो हम ये तो कह सकते हैं कि ये इससे तो ज़्यादा ही फास्ट है। बात करें अब सोनिक की, तो सोनिक भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट मूवीज़ के अंदर हमें वो बहुत ज़्यादा स्लो दिखाया गया। तो अभी फ़िलहाल मैं मूवीज़ की बात करूँगा, उसके बाद मैं उसकी एक्चुअल स्पीड जो अभी तक हाईएस्ट गई है उसकी बात करूँगा। तो मूवीज़ के अंदर हमने देखा है कि सोनिक सिर्फ साउंड बैरियर को तोड़ सकता है, वो वाटर पर रन कर सकता है, मतलब उसकी जितनी भी स्पीड है वो डैश से कंपेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता डैश कौन है, द इनक्रेडिबल्स जाके देख लो, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा डैश कौन है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मूवीज़ के हिसाब से हम सोनिक को डैश के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट सोनिक द हेजॉग 2 में हमें अल्टीमेट फॉर्म दिखती है सोनिक की, विच इज़ सुपर सोनिक मेरे हिसाब से। और जिन लोगों को नाम पता है उसका प्रॉपर बता देना, क्योंकि मैं सोनिक का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि उसकी अल्टीमेट फॉर्म का नाम क्या है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम उसको सुपर सोनिक बुलाएंगे। तो सुपर सोनिक और भी ज़्यादा फास्ट है, तो अगर हम देखें तो सुपर सोनिक की जो स्पीड्स हैं वो डबल हो जाती हैं। तो सोनिक अगर साउंड बैरियर को तोड़ सकता है तो उसकी प्रोबेबल स्पीड हुई 760 माइल्स पर आर, और अगर हम इसको डबल कर दें तो ये कहीं जाती है 1500 माइल्स पर आर के करीब। बट सोनिक की जो अल्टीमेट फॉर्म गेम्स के अंदर, उसमें जहाँ तक मुझे पता लगा है और जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, उसमें सोनिक शायद 5700 माइल्स की एवरेज पे भाग सकता है, और यहाँ पर नोट करना मैंने एवरेज बोला है। और साथ ही साथ जहाँ तक हमें पता है कि सोनिक गेम्स के अंदर लाइट बैरियर को भी तोड़ चुका है और उससे भी आगे निकल चुका है, जैसे एक गेम के अंदर सोनिक ब्लैक होल को भी आउटरन कर चुका है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ गेम्स के अंदर ही हो सकती हैं, और सोनिक की कोई ऐसी कॉमिक्स भी नहीं है जिससे मैं इन्फॉर्मेशन निकाल पाता और जिसमें
ऐसा मेंशनड हो कि सोनिक कितना ज़्यादा फास्ट भाग सकता है, बट अकॉर्डिंग टू गेम डेवलपर ताकाशी इजुका, उनसे जब पूछा गया कि सोनिक की प्रॉपर स्पीड कितनी है, क्या वो लाइट बैरियर को तोड़ सकता है, क्या वो लाइट बैरियर से आगे भी जा सकता है, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि सोनिक की स्पीड्स अननोन है और इस पॉइंट तक सोनिक लाइट से भी आगे जा चुका है और कुछ गेम्स में वो काफ़ी ज़्यादा स्लो भी बनाया गया है। बट अभी फिलहाल के लिए अगर हम सोनिक की स्पीड को कंपेयर करें तो उसे फ्लैश से कंपेयर किया जा सकता है, तो इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि तुम लोग ध्यान नहीं देते और फिर बोलते हो कि नहीं नहीं सोनिक तो फ्लैश से ज़्यादा तेज़ है। तो उन्होंने भी यहाँ पर उसे कंपेयर किया है, अगर वो चाहते तो क्लियरली बोल सकते थे क्योंकि उनके बोलने से सब मान लेते, और उन्होंने भी अगर ये चीज़ नहीं क्लियर करी है तो ऑफकोर्स वो फ्लैश से धीरे ही है, चाहे वो जितना भी फास्ट हो जाए बट फ्लैश से धीरे ही रहेगा। इसके बाद बात करते हैं फ्लैश की, तो फ्लैश की बात करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक चीज़ और बताऊंगा जिससे इन तीनों की स्पीड तुम्हें और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी और फिर तुम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इन तीनों की स्पीड्स के बीच में और इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो अब बात करते हैं फ्लैश की, तो फ्लैश बहुत ज़्यादा फास्ट है, कम से कम इन दोनों से तो बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि फ्लैश 13 ट्रिलियन टाइम फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट है। और इसको भी छोड़ दो, चलो ये फैक्ट तुम्हें अगर नहीं पता था तो मैंने अपनी फैक्ट वाली वीडियो में बता ही दिया था ऑलरेडी, बट जिन लोगों को नहीं पता था मैंने फिर से बता दिया है। और अगर तुम्हें ये चीज़ इंप्रेसिव लग रही है तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ उसके बाद तो तुम फ्लैश के फैन होने वाले हो, क्योंकि फ्लैश कॉमिक्स के अंदर एक ऑटो सेकेंड पे भाग रखा है। मतलब ऑटो सेकेंड समझते हो, ऑटो सेकेंड टाइम की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ओके टू बी मोर प्रिसाइज, जीरो के बाद जब 17 जीरोस और लगते हैं उसके बाद 1 लगता है तब जाके एक ऑटो सेकंड बिल्ड होता है, समझ रहे हो, 1 के आगे 17 जीरो जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है टाइम की। और अगर इसको मैं सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये होता है 1/क्विंटिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, जिसको ऑफकोर्स कैलकुलेट नहीं किया जा सकता बट मैं इसको लाइट से कंपेयर ज़रूर कर सकता हूँ। लाइट एक सेकेंड में अर्थ के 7 राउंड्स काटती है, तो अगर बात करें कि लाइट एक ऑटो सेकंड के अंदर कहां से कहां ट्रैवल करती है तो लाइट के सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम्स ही एक ऑटो सेकंड के अंदर ट्रैवल कर पाते हैं और ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टाइम की सबसे छोटी यूनिट ऑटो सेकंड होती है, बल्कि टाइम की सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट प्लैंक लेंथ में मेजर की जाती है। और मेरे अंदर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं है कि मैं प्लैंक लेंथ के अंदर घुसूँ और प्लैंक लेंथ का कॉन्सेप्ट तुम्हें भी समझाऊँ, तो अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि टाइम की सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट प्लैंक लेंथ के अंदर मेजर होती है, बट हमें वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटो सेकंड भी टाइम की बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट में मानी जाती है। मतलब ऑटो सेकंड शायद सेकंड या थर्ड सबसे छोटी यूनिट होती है टाइम की। तो फ्लैश अगर इतना ज़्यादा फास्ट है तो अब बात करते हैं उस एक कॉन्सेप्ट की जिससे तुम्हें शायद ये अंदाज़ा हो जाए कि फ्लैश इन दोनों से बहुत ज़्यादा फास्ट है और मेरे हिसाब से फ्लैश द फास्टेस्ट स्पीडस्टर अलाइव का टाइटल डिजर्व करता है और इसी को मिलना चाहिए क्योंकि इन दोनों ने कुछ नहीं उखाड़ा है ज़िंदगी में। तो अगर मैं बात करूँ उस कॉन्सेप्ट की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब स्पीडस्टर्स भागते हैं तब वो टाइम को स्टॉप कर देते हैं और टाइम को स्टॉप करने से पता लगता है कि उनकी स्पीड्स किस लेवल की हैं। तो क्विकसिल्वर और सोनिक जब टाइम को स्टॉप करते हैं या फिर जब वो रन करते हैं और टाइम स्टॉप होता है तब उनके फ्रेम्स में चीज़ें फिर भी हिल रही होती हैं, बट जब फ्लैश भागता है तब उसके अराउंड सारा टाइम स्टॉप हो जाता है। मतलब लिटरली टाइम स्टॉप करना और चीज़ों को धीरे करना, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं और इनसे तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि फ्लैश इन दोनों से कितना ज़्यादा फास्ट है। और क्विक सिल्वर का एग्जांपल अगर हम लेके चले तो हमने एक्समैन अपोकलिप्स में देखा था कि जब वो एक्समैन मेंशन को खाली कर रहा होता है तब भी चीज़ें उसके फ्रेम में मूव कर रही होती हैं, भले ही कम स्पीड पे मूव कर रही होती हैं बट फिर भी चीज़ें हिल रही होती हैं। और सोनिक के केस में हमने तब देखा था जब सोनिक रूफ पे मिसाइल्स को डॉज करता है तब भी मिसाइल्स मूव कर रही होती हैं, प्रॉपरली पूरी तरह स्टॉप नहीं होती हैं। और बैरी के केस में हमने फ्लैश टाइम वाले एपिसोड में देखा था कि बैरी ने सबको फ्रीज कर दिया था, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, पर पूरे एपिसोड के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम था। मतलब अकॉर्डिंग टू द एपिसोड वो काफ़ी लंबा टाइम था शो के अंदर। और इसी चीज़ से हमें पता लग जाता है कि बैरी इन दोनों से तो कितना ज़्यादा फास्ट, और इन दोनों से ही नहीं बल्कि बैरी द फास्टेस्ट मैन एवर अलाइव है और ये इस टाइटल को डिजर्व करता है मेरे हिसाब से तो। पर ऑफ कोर्स डीसी वाले जितना चाहे फ्लैश को उतना ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं, जितना स्टोरी डिमांड करेगी उतना ज़्यादा बैरी को ये लोग फास्ट बना देंगे। और ऐसा ही क्विक सिल्वर और सोनिक के साथ भी है, चाहे ये लोग दो चार साइंटिफिक टर्म हम फैंस के मुंह पे फेंक के मारे,
तो ऑफ कोर्स इन्हें जितना ज़्यादा फास्ट वो कैरेक्टर चाहिए होगा, ये लोग उसे उतना ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं विद दो चार साइंटिफिक टर्म्स जो कि किसी को भी समझ में ना आए। तो विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे और इस कंपैरिजन का क्लियर विनर फ्लैश है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि फ्लैश इस कंपैरिजन का विनर है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, वो लाल बटन है उसको ग्रे कर देना। और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।